स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? चलिए, हम आपका चैप्टर एडिशन वाला हमारा चल रहा था, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 2C वाली। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो देखिए, अगर आपको एडिशन 10 करना है, 10 से ऐड करना है, तो क्या करेंगे? 10 से ऐड करने के लिए देखिए, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 647 + 10। 647 को 10 से प्लस किया गया है। कैसे किया? आइडेंटिफाई द टेंस इन 647। 647 में ये देखिए कि 10 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 4 कौन सी प्लेस पे, 10 प्लेस में। ओके, हमें 647 को किसे प्लस करना है? 10 से करना है। तो हम 4 में 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए 10 प्लेस में 1 है और यहाँ पे 10 प्लेस में 4 है, तो 4 को आपको 1 से ऐड करना है, तो आपको क्या आएगा? 5। बाकी नंबर सेम आपको वैसे लिखने हैं। 6 और 7 है, ये वो आपको ऐसे लिखना है एज इट इज, और आपको 10 प्लेस के नंबर को प्लस करके 10 प्लेस पे लिखना है। ओके, बाकी जो हमारे देखो 6 और 7 नंबर है, ये 1 प्लेस में, ये 1000 में, तो हमें इन दोनों को तो ऐसे लिख देना है। और फिर जो हमारे 10 प्लेस के नंबर है 4 और 1, उन दोनों को प्लस करना है। 4 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 5। 5 को हमें 10 प्लेस में लिखना है। ओके बच्चों, क्योंकि हमें 10 से ऐड करना था। अब हमें 100 से ऐड करना अगर किसी नंबर को, तो कैसे करेंगे? 9425 + 100। 9425 को 100 से प्लस करना है, तो 100 की प्लेस में पहले देखिए नंबर कौन सा है, 4 है, और यहाँ पे 100 की प्लेस में 1 है, तो 4 को 1 से ऐड करेंगे, और बाकी जो नंबर है ये हमारे 9 और 25 हम एज इट इज वैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 4 को 1 से प्लस किया, क्या आया? 5। और 9, 2 और 5 को हमें उन्हीं की प्लेस पे लिखना है। 9, 2, 5 अपने अपने प्लेस में रहेंगे, और 4 और 1 को प्लस करके उसकी प्लेस पे लिखना है, क्योंकि ये 100 की प्लेस में है, तो 5 देखिए 100 की प्लेस में, 1, 10, 100। आप भूले तो नहीं है, पीछे की चीज़ें सब याद रखनी है, सब काम आएंगे जो पीछे मैंने आपको प्लेस वैल्यू सब पढ़ाए थे। अब देखिए, अगर आपको किसी नंबर को 1000 से ऐड करना है, 1000 से ऐड करने के लिए हम पहले देखेंगे कि नंबर में 1000 की प्लेस में कौन सा नंबर है। 6937 में देखिए 1000 की प्लेस में 6 है, और यहाँ पे 1000 की प्लेस में 1 है, तो 6 को 1 से प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 को 1 से प्लस किया, 7 आया, और 937 का एज इट इज वैसे लिख दिया है लोगों ने। ओके, तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट जो इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी आपको ऐसे ही करने हैं। यहाँ देखिए 82 + 10 ये नंबर है। अब हमें ये यहाँ पे 10 दे रखा है, ये 10 है ना, तो हमें 10 प्लेस के नंबर देखने हैं। 8 और 1 को हम प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ओके, 8 और 1 को प्लस किया तो क्या आया? 9। 9 लिखेंगे, और 0 का तो हमारा 0 ही रहेगा। ओके, देखिए 9, 8 और 1 को प्लस किया, और 0 का हमारा 0 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट बी में देखिए, यहाँ भी 10 प्लेस का है ना, 10 प्लेस में हमारा कौन सा नंबर है? 9। 9 को हम 1 से प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 9 को 1 से प्लस किया तो आएगा 10, और 57 का 57 ही रहेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट 1219 + 30 है ना, तो आपको देखना है कि 10 प्लेस का है, 30 में दो ही डिजिट है, 1s और 10s, तो 10 प्लेस में हमारा कौन सा नंबर है? 1219 में 1, तो 1 को आपको 3 से प्लस करना है, तो 1 को हम 3 से प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 4, तो ये 4 ही रहेगा, और बाकी नंबर हमें एज इट इज वैसे ही लिखने हैं, 2 और यहाँ 1। बस हमने देखिए 1 को 3 से प्लस करके यहाँ 4 लिख दिया, बाकी नंबर हमारे वही, यहाँ पे 9 आएगा।
ओके बाकी हमने देखो 9 का 9 दिया, 2 का 2 है, 1 का 1 है, बस हमने इन दोनों नंबर को प्लस करके यहाँ लिख दिया। ओके बच्चों ऐसे ही करने हैं आपको, ये सारे 1000 वाला देख लीजिए, इसमें 1000 की प्लेस में 4 है और यहाँ 1000 की प्लेस में 3 है, तो 4 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7, तो हमने यहाँ लिख दिया 7। और बाकी जो हमारे नंबर है वो हमें एज इट इज वैसे ही लिखने हैं। ओके ऐसे आपको ये सारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ओके बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ स्कूल दे आर 3 to 8 5 बॉयज एंड 2 to 7 5 गर्ल्स, हाउ मेनी स्टूडेंट इन ऑल। एक स्कूल में 3285 बॉयज हैं, 2875 गर्ल्स हैं, तो हमें ये बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, तो हम इन दोनों नंबरों को प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए स्पेस दे रखी है ना आपको, तो आप सबसे पहले 3285 ऊपर लिखेंगे और 2875 नीचे लिखेंगे, ऐसे उसी की प्लेस में 1000 की प्लेस में 1000 का नंबर आएगा, 100 की प्लेस में 100 का नंबर, और 10 की प्लेस में 10 का, 1 की प्लेस में 1 का नंबर। ओके ऐसे हमें ये नंबर लिखना है और फिर इनको प्लस करना है। अब इन्हें आप प्लस कर दीजिए, प्लस करके जो आंसर आएगा वही आंसर है। ओके इस तरीके से आपको प्लस करना तो मैंने सिखाया है ना पीछे, वैसे ही प्लस करना है इसको। इन अ स्कूल 1405 स्टूडेंट्स ट्रेवल बाय कार, 3485 ट्रेवल बाय स्कूल बस एंड 969 वॉक टू स्कूल। एक स्कूल में 1405 जो बच्चे हैं वो कार से आते हैं और कुछ बच्चे बस से आते हैं और 969 बच्चे वॉकिंग करके आते हैं, चल के आते हैं, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। तो आपको ये बताना है कि स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं। तो आपको ये सारे स्टूडेंट्स जो भी दे रखे हैं, जिस कार से आते हैं, कुछ बस से आते हैं, इन सबको एक साथ लिख के प्लस करना है। ओके वंस की प्लेस में वंस ही रहेगा, टेंस की प्लेस में टेंस का नंबर, 100 की प्लेस में 100 का और 1000 की प्लेस में 1000 का, ऐसे आपको ये लिख के इन्हें प्लस करना है। ओके फिर यहाँ पे 969, अब आप इनको प्लस कर दीजिए। ओके प्लस करके जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर। ओके बच्चों ऐसे थर्ड देखिए, एन ऑर्चर्ड हैज 2460 मैंगो ट्री, एक बाग में 2460 मैंगो ट्री हैं, 3709 एप्पल ट्री हैं, 3165 पीच ट्रीज हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ऑर्चर्ड। पूरे ऑर्चर्ड में, पूरे बाग में टोटल कितने ट्रीज हैं, मैंगो ट्री, पीच ट्री और एप्पल ट्री को मिला के आपको बताने टोटल कितने ट्रीज, जैसे मैंने यहाँ पे ये नंबर लिखे थे इसी तरीके से आपको ये सारे नंबर लिखने हैं। ऊपर से पहले मैंगो ट्रीज के लिखिएगा, फिर एप्पल ट्रीज के, फिर पीच ट्री के, फिर इन सबको प्लस कर देना है। ओके ऐसे नेक्स्ट देखिए, ए बैंक रिसीव 2928 रुपीज ऑन मंडे एंड 5021 ऑन ट्यूजडे। एक बैंक में पैसे डाले अनुराग ने मंडे को 2928 और ट्यूजडे को 5021, हाउ मच मनी डिड अनुराग पुट इन ड्यूरिंग 2 डेज। हमें ये बताना है कि उन 2 दिन में उसने टोटल कितने पैसे डाल दिए, मंडे को उसने 2928 डाले और ट्यूजडे को 5021, तो टोटल उसने कितने पैसे डाल दिए, तो इन दोनों को आपको क्या करना है प्लस। ऊपर पहले लिखेंगे 2928, फिर नीचे लिखेंगे 5021, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे यहाँ पे। ओके शोभित सॉ 2118 अडल्ट पेंगुइन्स एंड 3181 बेबी पेंगुइन्स, हाउ मैनी पेंगुइन्स डिड ही सी इन ऑल। शोभित ने बेबी पेंगुइन्स देखे 3181 और अडल्ट पेंगुइन्स देखे 2118, तो टोटल उसने मिला के कितने पेंगुइन्स देखे, तो 2118 को 3181 से प्लस कर देना। ओके ऊपर पहले ये नंबर लिखेंगे अडल्ट पेंगुइन्स के, फिर बेबी पेंगुइन्स, दोनों को प्लस करना है। ओके ऐसे यहाँ पे आपको ये लिखना है। ओके बच्चों तो आपको ये वाले एक्सरसाइज 2E एंड 2D ये अपने कॉपी में अच्छे से करनी है। ओके बच्चों थैंक यू।